तो भाई जाओ राम राम सब्जन के हमारा नाम आनंद चतुर्वेदी, हम राम से बुंदेली ब्लॉग। और आज हम दूसरे दिन 5 दिन के लिए बाहर निकले, हम घूम के लाने बिना पैसा के। तो अभी पन्ना में रात से रुके थे हम, और आज इतनी है पन्ना में अवे सुबह से, तो इतने रात के रुके रहे हैं। रात के सूद पाए नहीं कैसे, पहली बात तो ब्लॉग एडिट कर रहे, और इतने बहुत भयंकर मच्छर काटे। तो देखो जो जंगल सो है, तो देखो सो पाया और ऊपर मतलब वो गैलरी से में बैठे है, वो मच्छर बहुत भयंकर काट रहा हो तू। अब इतना मतलब सो नहीं पाए हम, केवल हमने 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा बस सो तू। उसके बाद सूजी का सुबह से सो ले, वो भी सो पाओ कैसे, धूप वगैरह आ गई। अब हम सोच रहे जा भी के लाना इतने से। अब इतना पानी यानी रखो तो है, लेकिन इतने व्यवस्था पूरी नहीं है, मतलब फ्रेश व्रेश की व्यवस्था नहीं है, नहा की व्यवस्था नहीं है। तो अब इतने से निकल रहे हैं, नींद भी भरी है और मंजन बरोस कुछ निभाव है, और 9 बजे वाले हैं। सर सोचा ढूंढ भी कहूँ, फ्रेश हो भी, मंजन करे भी, नहा भी, उसके बाद फिर निकल भी, फिर मंदिर वगैरह में सो भी कर नहीं है भैया यार, क्या बताएं। तो भज्जा जी इतने आए थे हम सुरभ शौचालय, और इतने हमने नहा धोरा पड़ी है, मस्त कपड़ा वपड़ा निकल रहा है देखो, और बाप ने गाड़ी टिकी है। अब इतने से हम जा रहे हैं स्टैंड, और जाकर कुछ खा भी पी पहले, और उसके बाद फिर सोचा कि कहाँ निकल रहे हैं। लगभग 11 बज चुके हैं भैया, आ रहा हो ब्लॉग को देखियो, ये बार ब्लॉग में मतलब हम बड़ी मस्त मजा, हमने कहा रुपया तो मांगना ही है चले के लाने, तो देख रहे हैं कैसे कहा हो रहा हूँ। ठीक है, तो भैया इतने आ गए हैं और मेन्यू देख रहे हैं, और हम मंगवा रहे खा भी एक लाना कचू। तो बच जाते हमने सीख टमाटर और रोटी मंगवा ली है, और अब जो खा रहे हैं और बस फिर निकल रहे हैं से। तो भज्जा अब हम खाना पीना खा के बिल्कुल फ्री हैं, और हमने सोच लो है विचार बना रहा है पूरे पूरे के, अब हम सीधे जबलपुर जाने हैं। हाँ तो भैया अब ऐसे ही हम पन्नी में व्यवस्था बना रहे हैं 250 रुपया की, और फिर ऐसे निकल रहे हैं। भैया जी अब प्रॉब्लम ना हो थोड़ी, मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें बस, हम जी बोल रहे कि हम गलत ब्लॉगिंग, मतलब हमने एक नई चीज़ करी बंद में अपने के बिना पैसे के ट्रेवलिंग कर रहे हैं हम। मतलब चितापुर से आए थे हम पन्ना, कल आ गए थे, रात भर रुके थे हम, और आज सोच रहे हैं हमें जबलपुर जाएगी। तो क्या नाम है, मतलब हम रैंडम आदमी से जितने रुपये दे रहे हैं रुपया उतने दे रहे, मान लो आप जितने देने 10-20 हज़ार जितने देना है आपका उतने ले, जैसे 250-300 रुपये हो जाए पेट्रोल लगा के, और उसमें हल्को फुल्को खा पी के निकल जाते। तो आप समझ मतलब आप जितनी हेल्प करने हो जितनी आप हम लगे, मतलब आप ना आपको मेरे को चेहरा है ना कुछ, आप मतलब आज के आप पहले हो इंसान, मतलब आप जितने लगे अपने मन से उतना आप कह सकते हो, मतलब आप ही सोच कह सकते हो, तो 10-20-50 रुपये तो आप ही कह सकते हो। छेड़ जी कहाँ कब तक आ रहे हैं, तो काफ़ी टाइम है। ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो भज जाए थे हम पैसा की तलाश में फिर रहे थे, मतलब के पैसे जुगाड़ हुआ जबलपुर नगाए ये भी, और इतने हमें जो मतलब घूमत घूमत बलदेव जी मंदिर देख गो हमें। भैया जो होते मतलब हमें देख, हम तो भैया पैसा की तलाश में थे, मतलब कोई आदमी से पैसा की जुगाड़ लग जाए, लगे थे हमें बलदेव जी मंदिर, श्री श्री 1008 श्री बलदेव जी मंदिर। तो भैया ये तो चल रहे हैं, और ये अंदर देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, देखो भैया। तो भैया देखो जो बहुत ही लंबा चौड़ा ये फैला हुआ मंदिर है, जो श्री बलदेव जी को मंदिर भगवान है, जब दर्शन करा उन्हें ही थे तो ऑटोमेटिक उन्हें बुला ला हमारा ना, हम तो सोचे थे भैया पैसा ऐसे मिले हम निकल लेते से। तो भाई जा रहा हो अंदर से बलदेव जी के दर्शन कर आए हैं, और टीका का लग बढ़िया मस्त, तो अच्छी फोटो वगैरह खींच रही हमने, मांग रहा है पैसा जो कह रहे हैं हेल्प का सहित का हूँ भाई, एक हेल्प का सहित छुट्टी थी, हेल्प हेल्प मदद, हम बनाए थे ब्लॉग कुछ मदद कह सकते हमारी 10-50 रुपये जितने भी, बिल्कुल नहीं 10-50 बिल्कुल नहीं। ठीक है भज्जा चल रहे आगे, और तुझे यहाँ पूछ रहे हैं जी हेल्प का सहित हमारी, तो आप मतलब जितनी मदद कह सकते हो, बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हम तुम्हें हम आपको चेहरे देख के आए थे, हम इतने दुकान छोड़ के आए बस चेहरा देख के पता चल जाए, मतलब इसे बात करो चाहिए नहीं चाहिए, नहीं हम समझ रहे और हाँ समझ रहे हम, कोई बात नहीं धन्यवाद भैया। भैया उनकी भाई थी बोनी है वैसे कोई बात नहीं, लेकिन सब मना करे बिजनेस जो है कि मतलब के बता दूँ, मतलब ऐसी ऐसी बात है, अच्छी बात है जी, कह रहे हैं कि हम बनाए थे ब्लॉग यूट्यूब पे, हम मतलब सितारपुर से आए हैं 5 दिन के लाने निकले हम अपने खाली बुंदेलखंड में, तो मतलब आप कितनी मदद कर सकते हमें 10-20 रुपये, बिल्कुल नहीं आज तो कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। तो भैया कसम से बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा है, हम खाली पैसा की तलाश में घूम रहे हैं, कि मतलब दुकानदार से पूछ रहे हैं कि भैया पैसा दे दो, आदमी मना कर रहे हैं, अब तक एक भी अन्य पैसा दे नहीं है, लेकिन यार जो सोचो कि हमें बलदेव जी को मंदिर भी नहीं हमने घूमू, तो कल
और जो राम जानकी मंदिर भी नहीं घूमो तो अंदाज नहीं अंदाजन हमें तो आ गया ऑटोमेटिक। वाह यार भगवान ने खुद बुलाओ हमें, मतलब भैया जो राम जानकी मंदिर है तो दुकान में बैठे आदमी है, क्या बात कर रहे हैं यार। है। बीस रुपये तक नहीं है भैया, आज तो पन्ना मेरा मुश्किल से पड़ रहा है काम, कल तो जल्दी जल्दी काम बनेगा, लेकिन आज समय एक थोड़ी यार थमी सर। भैया ने दुकानदार से मांग भी सामने, भैया खाली बैठे हुए यार, कोई हेल्प नहीं, वो नहीं है अभी आए हैं। आज कोकी पोनी नहीं भेजते हम, दो घंटे से घूमा बताओ आज पन्ना में, एक एक किसान है नहीं जाओ, पंद्रह बीस में डूबा होगा क्या, पंद्रह बीस में डूबा होगा। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, पन्ना से बाहर जाने देने का हमें आज कोई बात नहीं, हम पन्ने में रुक जाए फैसे हेल्प कर सकता तुम्हारी, एक रुपया की भी नहीं कहे अपने, बताओ आदमी कितना हद कर दिया, मतलब आज तो पन्ना करने दो घंटे से घूम रहे, बताओ दस रुपये की आदमी को नहीं पा रही देवी की, देखो सोचो आदमी भी ऐसे गुटका खा के थूक दे वहाँ, लेकिन दस रुपये दे सकते। यूट्यूब पे वीडियो डालें अबे हम आगे चला के हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर यूट्यूब से रुपया मिले हमें, लेकिन अब शुरुआत है तो अब इतना चीज करना पड़ रही, और वैसे आदमी देखे हुए मजा आऊ था, मतलब जो कौन तरीका से आदमी से जाके बात कर रहा हो, को आदमी मना कर रहा हो, को आदमी दे रहा है कि नहीं, जैसी देखिए मैं इंटरेस्टिंग है ना थोड़ी, ये वजह से कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं आप देख लो ना यूट्यूब पर बताया ना चैनल, झूठ नहीं बना सर ना थोड़ी है, हमको बता रहे हम घर से एक रुपया लेके नहीं निकले थे, अब हमारे पास है 250 रुपये हैं, हम लोग जी मांग मूंग के अब हमें जाने जबलपुर, सो जबलपुर से जाइए तो सागर, सागर से जाइए सीतापुर, पाँच दिन में हो जाए हमारे, सो हम सोच रहे 400-500 रुपये हो जाते, 400 को ड्राउ दे तेल, 100 को रखते जिम में और खाद की पहुँच जाते जबर पर, ऐसा कर रहे हैं। सो आप कुछ कह सकते हैं हेल्प हमारी, दे दूसरे दिन देना है आप, दो घंटे से घूमना पन्ना में, वहाँ पर दो घंटे से आप पहली बार आपने बोली कि 10 रुपये दे रहे हैं, आदमी 10 को भी नहीं दे पाई यार, वो नहीं वही तो हम सोचा थे 10 को तो आदमी जी चाहे खर्च कर देते नहीं, हमारा मतलब आपके लिए 10 कम हो सका, लेकिन हमारे यहाँ 10 बहुत ज़्यादा है वो, है कि नहीं, आपने 10 दे 10 दुकानदार ने 10 में 100 का होगा हमारा, है कि नहीं, लेकिन आदमी को अब तो क्या सोच के 10 को भी नहीं दे, हम ज़्यादा डिमांड रखेंगे नहीं, हम 10-20-50 बोलते बस, जैसे हमें तो 10 हमको नहीं सोगा एक आदमी बस से मांगने, धन्यवाद अंकल बोल, तो देखो अंकल जी ने दे रहे हैं हमें 10 पिज्जा, और हमारे केवल जो ही है 10 रुपये मांगने सबसे, 10 से आगे मांगनी नहीं है, धन्यवाद अंकल जी, बुंदेलखंड की यात्रा करो। अच्छा पैसा लिफ्ट ले ले, लिफ्ट नहीं गाड़ी अपनी है, जैसे रैंडम आदमी दुकानदार से पैसा मांगे 10-20-50 जी ने जितने दाए बस जो जा रहे हैं बस अपने पटल लावा और खा पी के, सुनो भी नहीं कोने मतलब चीज भैया कहूँगे थे, मतलब बाहर तो होते हैं दूसरे अपने ते बुंदेलखंड में नहीं हो रही ना ये चीज, भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, भैया देखो ये सौदा ले भी आए थे और इन्हें चाची बताई इन्हें तो इन्हें जी बच दे रहा है कितने रुपये, 45 तो भैया 45 रुपये बन गए, और अभी तक हमने जितनी भी दुकानदार से मांगी सब 10-10 रुपये, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, आपकी तरफ से होना किसी बात भैया नहीं यहीं का हूँ, 10 रुपये कर देते आप, 10-10 रुपये हमारी तरफ से, तो देखो भैया दुकानदार की तरफ से भी मतलब 10 रुपये हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब सीधे जबलपुर सट रहे हैं हम, कैसो तो भाई जा रहा हो, देखो ऐसे इंसान होते हैं, तो सौदा ले भी आए थे और हम दुकानदार हैं सब चीज़ें बताए थे, मतलब कि ऐसे आए हैं तो वो दुकानदार मतलब ग्राहक से शेयर करें लोग जहाँ बात क्या, मतलब कि जी भैया छतरपुर से आए हैं और जी 5 दिन के जाना बुंदेलखंड में फ्री बिना पैसा लेके निकले हैं, तो उनके 45 रुपया उन्हें वापस मिलने थे ग्राहक हैं, तो बोले कि जी हमारी तरफ से पूछ दे दो, तो भैया दिल खुश होगा भैया ऐसे आदमी मिले तो ऐसे इंसान हो चाहिए भारत में, बनाऊ हम तो जैसे मान लो बुंदेलखंड अभी हमने खाली बुंदेलखंड घूमने की सोची अपने, आप कुछ हेल्प कर सकते
दस रुपया से लेंगे पचास के बीच में, आप कितने रुपये दे सकते अपने, ज़्यादा नहीं पचास से ऊपर नहीं, दस से कम नहीं है। जैसे मंगी हमने सब हाँ मंगा था पचास से, हम आपके पास आ गए तो आप बता दो आप हमारे पास देना या नहीं देना, इतनी बात ही है। अब हमने यार देखो एक महीने में दुकान खुली है भैया, भैया हम घूमने जा रहे हैं, कल आप हम तो हम कर, अब हम आज तो निकल जाना है हमें जबलपुर, दस बीस तो बेसी आदमी दे दीजिए। अरे दस बीस लगा सब्जी भाजी की परी कोई बात नहीं, तो सही बोल रहा तो कोई बात नहीं, कैसा कैसे हेल्प दस से लेके पचास के बीच में इतनी आप लगा उचित, ठीक है धन्यवाद। तो भैया इतने पन्ना में इन अंकल जी ने भैया ने दस को दे दो है, तो ऐसे दस दस जोड़ के तो है जाए तीन चार सौ अपन निकले यार, फिर धन्यवाद अंकल जी। रुपया की नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं करें दे दें भैया घूमने, नहीं हेल्प करना नहीं, जब खुद जरूरत पड़े फिर कब, तो हम भगवान के रूप में आया हूँ, भगवान ने भगाया तुम आज पछताओगे। आनंद चतुर्वेदी जी इंस्टाग्राम पे है और दयानंद है यूट्यूब पे, जरा पूरा पन्ना घूमला हमने आज पूरा पन्ना, ये जगह से दो दो तीन दिन बाद निकाल गया बिल्कुल, हमारा सिद्धांत ही है बिल्कुल आज के बिल्कुल, जब तक पूरे रुपए हो जाने चार पाँच सौ जब तक यहाँ से अकाउंट निकलने नहीं है, कहा कि बिना पैसा के ना वहाँ निकाल जाओ और फिर कहूँ बीच में बढ़ाकर पेट्रोल मांगने लगी, सीधा चुस्त सिटी में है इतने पर्याप्त दुकानें हैं पर्याप्त दुकानदार हैं, तो उन सौ रुपये मांग लो, अब हमें चार सौ को पेट्रोल लगना है जबलपुर जात में, तो जब तक पाँच सौ रुपये नहीं हमारा टोटल हो जब तक हमें निकल ले नहीं है, नहीं तो हमें तो आज पन्ना ही मिल रुकती है हमारे भैया, अपने बड़े अस्पताल आ गए हम तो पन्ना के जिला अस्पताल आ गए, इसे आ गए कि रुपया पे पाँच सौ पूरे भाई नहीं है, और मोबाइल हुए वहाँ डिस्चार्ज और शाम भी होने वाली है, तो सोच रहे हैं कि मतलब अगर पैसा ढूंढो अब शाम शाम तक आज पन्ना में बढ़िया रुक के पैसा कह लें पाँच छः सौ, उसके बाद फिर मोबाइल वोबाइल चार्ज करके रात कहते रुक जाए भी, और सुबह फिर मतलब अच्छे भवन से ऐसे सीधे निकल जाए भी, ठीक है उतरे जबलपुर के लाने जो सही रहे, ठीक है नहीं। तो भज्जा हमें तो पन्ना की सरकारी अस्पताल में है और हम कल भी आ जाते हैं मोबाइल चार्ज कराए के लाने और आज भी आए मोबाइल चार्ज कराए के लाने, तो भैया तो एक समस्या है ही अस्पताल में सबसे बड़ी पानी की समस्या, एक वाटर आरो है जो मतलब वाटर कूलर, और इनमें पानी देखो ऐसा आउ हमेशा परमानेंट, और इनमें आउ गर्म पानी इमें आउ ठंडा पानी, लेकिन इमें आउ केवल इतो इसी अगर पानी निकालती नहीं है, और इधर इधर आदमी बैठे हैं बोतल पकड़े घंटा हो गया खिलाने हमें पीने से, हम भी ऐसे यानी एक घंटा हुआ पिए थे अब फिर नहीं है हम, तो भैया जो भी पन्ना से हो वहाँ ये चीज़ की पता हो इस समस्या के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो भज्जा अब फैशन जा रहा है मांग भी खिलाने, और आज यदि पन्ने में रुकने हैं तो हमने सोचे रुकने हैं तो फिर मांगो दम से रुपया मांगो, कल ने जबलपुर तो कम से कम पाँच छः सौ रुपये की जरूरत है, और अभी दो तीन सौ कम है हमारे पास, तो आज रात लो जी पूरे करने जो उनमें कल बड़ी सुबह नहा धो के जबलपुर ग्रांस छोटे यहाँ सीधे जबलपुर हेल्प कर सकते हमारी, मालिक नहीं है देखो हम तो मालिक है नहीं दुकान के भी हमें लगा है दस बीस पचास बजे, तो भाई तुमसे मान लो तुमसे पर्सनली बोली आ गए मान लो जैसे पर्सनली देखो हम तो केस काउंटर चला था, हम अभी थोड़ी देर का भी चले गए यही से हम बैठ गए नहीं तो हम दे दू तुम्हारा तो खुद हुई है ना पास तुम्हारे में कोई बात नहीं हमें तुम मालिक आओ नहीं हम लग रहे थे मालिक से नहीं मालिक होते तो क्या हेल्प तो कर ही नहीं करोगा हमारी हम ब्लॉग बनाओ वीडियो तो आप कुछ हेल्प कर सकते हमें दस बीस की जो कैसे हो गए आपको मतलब जो डालो के हम फ्री में भी घूम हाँ हाँ मतलब ये मैं कहे एक आदमी देख भी कि एक जिज्ञासा बढ़ जाए कि जो बिना पैसा के घूम कैसे रहो और कौन तरीका से दुकानदार से रुपया मांग रहा हो कौन दुकानदार मना कर रहा हो कौन कैसे हाउ दे रहा हो मतलब दे रहा है रुपया तो मैं आदमी देखे मिला ना बच्चन है मतलब जो का है मतलब हम खुद के पैसे से घूमे तो हमें कहा देखेंगे
इतना कहे की इंटरेस्ट है इसमें, ऐसे अब हम जो बना के डाले हम भैया फोत गए फिर आज हमें ऐसा है मतलब आप कौन खिलाए 10 रुपया का चू खास नहीं लेकिन हमारे लिए 10 रुपये बहुत मायने रखा है जैसे 10 रुपये हो गए हमारे 200-300 हो गए हमारे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुँच जाए फिर संगे संगे घूम ही लिए थे हमने आज कल पूरे दिन रुके हैं पन्ना में और आज पूरे दिन सो मतलब हमने आज पूरी पन्ना अपने मतलब पूरे मंदिर वगैरह सब चीज़ घूम ली हमने घूम हो गए संगे आपको काम भी हो और आगे चल के फिर YouTube से भी रुपया मिला है जो YouTube पे भी मतलब रुपया मिला था जब मोनेटाइज हो जाए सो YouTube से भी रुपया मिला शुरुआत में 10-20 हज़ार से स्टार्टिंग आराम से अच्छी हो जाए अच्छा अभी हमारा महीना का भाव है तो मतलब नहीं भाव चालू लेकिन आगे चल के हो जाए ठीक है धन्यवाद अंकल कर दो कैसे हेल्प जितनी आप बने तो भैया 20 रुपये रहे हैं भैया ने और क्या नाम है भैया अपना कोई बात नहीं दुकानदार नहीं है तो पन्ना में जा चीज़ का ज़्यादा पाई जा रही है कि दुकानदार भग जाते हैं और कुछ दूसरे लगा हमें पाए जाते हैं कि हमें देख लेते हैं दूसरे कि दूसरे देख लेते हो कहते हैं वो आ रहा हो भग जा मतलब 100 को तो 500 तो ठीक है 20-30 रुपये की बात है आप दे सको बात नहीं है झूठ ना बोलो कहा 10-30 रुपये का यार आप हो जाए हम कह रहे कम से कम 10 ही को तो हो सका 10 को तो हो सका अरे वो हम 20 हमको ज़्यादा कर देंगे इसे कि देखो आपने जैसे 10 दो हमें तो 10 जैसे मिले हैं तो हम 100 को हो जाए हमारा हो जाए ना हो जाए ना यार वही तो सुने होने का कहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई गम नहीं राम भरोसे निकले हम तो राम सब देख ले हैं कि नहीं राम भरोसे हैं है? देख लो हो तो अब जेब में तो सबके है लेकिन वो कहा आदमी कि दिल्ली बोला था ना जवान बुद्धा मैं ना चित्र जवान बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जो 10 रुपये हमें 100 रुपये में अकाउंट में कैश बैक है क्या नहीं धन्यवाद देखो ये होती है जवान राम को नाम लो चतुर्वेदी 08 हाँ चतुर्वेदी हाँ जी है स्प्लेंडर अब तो सोच रहा हम जबलपुर जाएगी हाँ आज निकल ले तो 1000 रुपये कम पड़ गए थी सुबह में लेनी है चैलेंज जो है हमारो कि बुंदेलखंड के अलावा जैसे हमारे शहर है वो दिल्ली है बाहर इंदौर वगैरह है इन चीज़ में जो हो रही है मान लो ये चैलेंज लेते लड़का ऐसे कि बिना चैलेंज एक दिन हम बिना रुपया के घूमें पूरे शहर में ठीक है और मतलब दुकानदार से जाके बोले कि हम रुपया आज बिना हमारा चैलेंज है सो अभी बाहर हो अपने बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा में जो चीज़ नहीं हो रही रुकल तो हमने सोची कि मतलब हम करें और चले भी वह चीज़ चल भी रही हुआ बुंदेलखंड के भी तो व्यूअर हैं देखे वाले कहाँ हम कल आए थे इस बार पर नहीं में आया आज हम पहले बागेश्वर हम गए तो बागेश्वर धाम से उतर ही मांगे हमने रुपया उधर से फिर अपन ना आए उधर से 150 मिले थे हाँ जरूरत भी नहीं थी हमें ज़्यादा मतलब इतने आए किराने 150 के पेट्रोल बहुत तो हमारा ने बस अब खाना पीना को ऐसी मतलब जैसे मान लो आप रुपया मिले हमें तो रुपया को खा लो जैसे मान लो बचन लगे रुपया तो रुपया से खा लो या फिर बात करी ढाबा वाहन से बात करी या पठिलिया वाहन से बात करी गौ से भी हो जाए तो पैसा डाल के चला नहीं एक भी नहीं
नहीं मिल जाते भी तो नहीं मिल जाते भी तो ऐसे नहीं मिले भाई चांस कैसे ना मिले हमें तो यकीन है ना हमें तो पहली बात तो हम सिटी से बाहर जब तक निकले नहीं है जब तक हमारे पास रुपये हमने ना मांगना हो गए रोका तो अभी इतने फॉलोवर मिल गए थे मतलब अपने तो एक फॉलोवर ने रोक लो तुम्हें और कल एक फॉलोवर ने दिन में खाना भी खिलाओ तो इन्हें बिरा उठा डूबा का है और आज भी एक फॉलोवर है सो बोल रहा हमारा घर रुकती हो ऐसा हो जाता अगर ना भी मान लो हमें बहुत ही सब तो मंदिर वगैरह में रुक जाते हम और हमें बोल रहे हैं कि बोले टेंट लगा ली तुम्हें अपनों की जी सब सुलख शौचालय पे सो ऐसे बैग में बस दो दिन जोड़ी पाँच दिन के लिए निकले ना खाली अभी हम ओनली पाँच दिन पहले चैलेंज हम आ जाओ पहली बार निकले हम 200 दिन है आज 200 दिन मतलब ख़त्म है अब कल 300 दिन है तो कल पहुँचे हम जबलपुर तो एक आध दो दिन जबलपुर में रहे हम थे फिर सीधे जबलपुर से सागर हो छतापुर हाँ प्रॉफिट ही में जो मिलेगा जैसे मान लो अबे तो हम मांग रहे हैं रुपया मांगने तो हमेशा है इसने का जो ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगा जाए व्यूअर हाँ देखे में मतलब आपसे मांगू वहाँ का उन्होंने मना करी कि दे रहे और ये जो है जो हम वीडियो डालें तो हमारे चैनल मोनेटाइज ही जाएंगे चल के यूट्यूब वगैरह मोनेटाइज हुए तो उससे पैसा बने फिर हमें और यूट्यूब से तो आजकल कमाई आप जानती हुई कितना है और क्या वही तो यही वजह से हम कर रहे हैं हो आई वो यहाँ में ही समझाओ उसे पहले आदमी काफ़ी जन मना भी गए तुरंत लेकिन हाँ अगर मना भी करे तो सीधे बोले कोई बात नहीं नहीं अपन हाँ तो जो ज़्यादा रुपए की जरूरत नहीं है हमने बस सुबह 80 रुपये खाना खाओ तो हमने और अब जब हम शाम के ऐसे खा ले भी या फिर फोन वगैरह खवाते हैं हमें खाना या फिर सीधे सुबह ना कर लेंगे 100 रुपये तो देखो अज्जा इन्ना सीधा 100 रुपये देता हूँ माना ने और जो सब बोले भी वो कमाल है भैया जो भैया और इनकी मदद करो जी अपने बुंदेलखंड के एक युवा साथी हैं जो एक बहुत अच्छी पहल भी कर रहे हो कहूँ ना कहूँ युवन को नाम भी आगे आ रहो बुंदेलखंड तो फिर अपनों प्रख्यात है ही है पूरे विश्व में और पूरे भारत संसार में तो इनकी इतनी मदद जरूर करो आप और कि जे भैया बिना पैसे के निकले हैं अपने घर से अपनों घर द्वार सब त्याग के निकले हैं पाँच दिन के लाने वो इनने आके हमारी एजेंसी पे बताओ है कि भैया हम दो दिना से घूम रहे हैं लोगों से मदद ले रहे हैं और मदद के सहारे जो बुंदेलखंड पूरा भ्रमण कर रहे हैं कहूँ ना कहूँ जो एक यौवन के लाने बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है कि बिना पैसों के बिना सुख सुविधाओं के कैसे जीवन यापन किया जाता है इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे भाई दे रहे हैं आप सभी के सामने उनकी मदद जरूर करें धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मेरे को जरूर हम जब भी आए बिल्कुल आओ जब भी आओ तुझे एजेंसी है हमारा नाम शशांक वर्मा है और युवा मोर्चा से हम वर्तमान में जिले के महामंत्री हैं अच्छा अच्छा और पूर्व विधायक स्वर्गीय गणेशी लाल वर्मा जी के नाती हैं अच्छा अच्छा तो ऐसे युवन को यार हमेशा अपन प्रोत्साहन भी करते हैं और कहूँ ना कहूँ आप उनके माध्यम से हमारे भी कहूँ ना कहूँ सोचिया थे कि बहुत अच्छी चीज आप पहल कर रहे वो एक नया तरीका आप मार्केट में स्थापित कर रहे हैं जब बहुत अच्छी चीज वही है धन्यवाद भाई तो भैया इतने इन भाई साहब ने भी 50 को दे रहे जी हमें और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब सपोर्ट करने के लिए हमारा और जब भी पन्ना है आपसे फंसने की मिलेगी तो देखना भैया हाँ तो भैया दुकान का नाम है ना वो क्या है ए टू जेड जी मोबाइल वाले हैं तो भैया इन्हें 50 को दाओ है और हाँ जी थोक विक्रेता है जी ए टू जेड दुकान है इनकी पन्ना में और ये थोक विक्रेता है इन लोग आए थे इन्हें हमने अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है इनने हमें 50 रुपये दें गांधी चौक पे इनकी दुकान है ठीक है भैया जो पन्ना में हो पन्ना को आदमी हो इनकी दुकान पे आओ कभी भी किसी काम से तो कमेंट करके जरूर बताइए जा रहा हो आज हमें किसी को ठिकाना नहीं है कि कहा यार भगवान ने कौन सी कृपा करी हमारे ऊपर आज कि मतलब एक जन सौगता हो उनके पास सीधे दूसरी दुकान पर गए उनने सीधे 50 को दो हथे यार मतलब यार बताओ आज हम जबलपुर नहीं निकले तो इसे नहीं निकले कि आज जो होने दो रुपये मिलने थे तो भैया भगवान सही में यार बहुत ही मस्त आदमी भगवान गजब करता यार बहुत अपना अपार लीला है तो भैया पैसा मांगत हमें इतने आ गए हम श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर द्वार
तो इतने भी हम सोची कि जाकर देखो जाए कहा है जा चीज़ों में बच गई तो ये हमें देखे रह जाके चलो चल रहे हाँ। देखो भैया देखो ये जो इतना पछाई उठी है बनी है महल सो और इधर से आओ सो कुलिया में हो जाके देखो एक सौ आठ श्री प्राणनाथ जी मंदिर झन 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 जी धन धन जी भंडारी द्वार चल रहे हमें कहा है बोल नहीं पा रहा खा लो यार ये तो यार है तो समझ में तो कुछ नहीं है कहा है तो देखो जी आगे भैया श्री प्राणनाथ जी मंदिर तो भैया पन्ना या गजब ही है यार मंदिर इतनी मंदिर हैं वो भी बहुत ही विशाल मंदिर हैं देखो तुम्हें बता मैं हमें देखे से लगे जाए बिल्कुल होते से स्टार्ट भाव मंदिर सी तो देखो माँ लो अरे 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 देखो जी है द्वार और देखे से भी इतना खतरनाक सजावट हर चीज़ भैया पन्ना बहुत ही गजब है यार बहुत गजब है पन्ना ऐसे तो हम रुक गए यार देखने लगे हर चीज़ चप्पल जूता उतारने जी गेट कब है खोला साढ़े सात भैया देखो अरे अरे लग रहा हूँ जन्नत में आ गए भैया रिकॉर्ड टूर जन्नत में आ गए देखो तो देखो व्यू देखो क्या नज़ारा है यार गजब कर दो यार हेलमेट निकाल लेते ना जो हम तो देखो भैया प्राणनाथ जी मंदिर में आ गए हम और इतना देखो कितना खतरनाक लग रहा है क्या व्यू है देखो भैया बहुत ही खतरनाक मंदिर है और इतनी तेज सजावट है देखो तो टाल से देखो जो मंदिर तो वो सबसे विशाल लग रहा है हमें मतलब पन्ना में सबसे विशाल अनंत श्री प्राणनाथ जी का मंदिर मुक्तिपीठ पद्मावती पूर्वी धाम गेट कितने बजे खुला भैया गेट कितने बजे खुलते गेट छः बजे अच्छा बहुत बड़ा मंदिर है नहीं हाँ हाँ देखो भैया सामने से देखो लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस करी यार एक चीज़ हमने बहुत ही नोटिस करी आज कि उमेश जो देखो कि हम मंदिर हाँ ढूंढ के आए नहीं हैं हम मंदिर के पास हम ऑटोमेटिक पहुँच गए बिल्कुल ऑटोमेटिक अब बताओ जो कुलीन कुलीन के अंदर है तू कब तो कहाँ अंदर से आप खींच के ले जाए बिल्कुल हमें तो बिल्कुल खींच के अब जो बताओ हमारे हिसाब से हमें तो लत के पन्ना में एक मंदिर रहेगा हुए नहीं बचो और बताओ हम सोचे थे बचा बना दे सुबह से कि हमें मतलब जबलपुर निकलने लगे जबलपुर भी नहीं जा पाए और उस बीच में हमने पूरा पन्ना की पूरे मंदिर घूम रहे हैं तो भैया यार कुछ ना कुछ तो हमारे संगे मतलब हो रहा है कुछ तो है यार ना देखो पूरा घुमा था हमने तुम्हें आपने कहा हमने इनकी फ़ोटो वगैरह अभी भी डाली बढ़िया तो भैया पन्ना से जो भी देख रहा हुए और जो इतने आउट हुए तो वो कमेंट करके जो बताइए हमारे लाने हम बनाते हैं यूट्यूब पर वीडियो ठीक है और हम पाँच दिन के लिए निकल गए हैं बिल्कुल बिना पैसा लेके घूम निकलाने ट्रैवल कर निकलाने खाना पीना गाड़ी के नाम पेट्रोल हर चीज़ हम आदमी से मांग के गए थे ठीक है जैसे मान लो हम पेट्रोल ख़त्म हमें दूसरी जगह पर जाना है इस सिटी से दूसरी सिटी तो हम दुकानदार से पैसा मंगा कुछ से बीस कुछ से तीस जैसे जो रुपया अब भूख लगी तो मान लो आगे हम चाट खाए के नाने जो भी हुई तुम्हारी अगर तुम कहा हमें खबाओ अभी तो हमारी दुकान खुली है अभी तो हम कैसे नहीं डोनेट कर सकते पैसा पैसा नहीं जाना है तुमसे अभी हम कुछ नहीं कर सकते अभी अभी दुकान खोली ना कैसे अच्छा सो कितने देर बाद आ जाए हम कितने देर बाद आ जाए एक घंटे बाद आ जाए एक घंटा तो बहुत ही यार छह बजे दुकानदारी होती है देख लिया हम तो हम बिना पैसे लेके हम फिर रहे ऐसा करने क्या करें हमारे पेट की चिंता नहीं है हमारी मजबूरी है पंद्रह बीस मिनट में आ जाओ का एक आध दो बिक्री हो जाए सोते में आज छः बजे तक नहीं हो पाती ना भैया अभी क्या अभी के लिए कोई आता भी नहीं है हम जब अभी दुकान जाता हूँ एक आध ग्राहक ग्राहक खड़े होती तो मान लो तो आ जाइए ठीक है कब आ जाओ ठीक है तो भाई चाची बोल रहे हैं कि हमारे दुकान पे जब ग्राहक ग्राहक उजे बोनी होनी हो जाए तो उसके बाद आइयो ठीक है क्या दिक्कत है राम जाने राम सहारे राम भरोसे हम तो पचास को डाल दिए भैया हमने सोची कि अब पचास को गाड़ी में तेल भी डाल आ जाए है क्या नहीं जो कौन से रोड का ना जो ना कौन से रोड का हाँ अच्छा एक गाड़ी
पिवा दो कि नहीं पिवाओ पिवाओगे कि नहीं पिवाओगे ये बताओ बताओ हम बनाओ थे ब्लॉग बताओ आवाज भी तुम भर रहे कलाकार हो तुम कल अरे यार अंकल जी यार शेर है बे चीता अंकल जी बोल रहे उल्लू बना रहे कैसे उल्लू बना रहे का हैं अब जो बताओ जूस पिवा रहा है कि नहीं पिवा रहा जो बताओ बस फाइनल ना पिवाओ से भग जाए का भग जाए तो बताओ ये बस तो कोई बता हुआ तो भैया अंकल जी जूस पिवा रहे हैं फिर हमें बड़ी जूस पी के चल रहा है फिर अपन पन्ना में दो दिन से रुके हमें थे आपके थे पूरे मंदिर घूमे हमने जब लाख रुपया के गाड़ी ले नहीं नहीं वो रुपया वाली बात नहीं है हम घर से सोच के निकले कि मतलब हमें 5 दिन घूमने बिना पैसा के हमारे जेब में 1 रुपया नहीं है हम खाली जो भी करें फ्री सबसे मांग के जो चीज खुद सोच के निकले हम पैसा की दिक्कत नहीं है पैसा तो बहुत है अंकल जी आदमी नहीं नहीं जो चीज ना आपने समझ में आएगा हूँ हम आपको काम ऑथेंटिक रख है कोई गड़बड़ी नहीं काम में काम में कोई गड़बड़ी नहीं छट वो दिन लग गई के हाय हाय तो देखो भैया जो होगा बड़ी कांच की गिलास में तो भैया इतने आ गए हैं हम और खाने तो हमें कुछ खा भी कराना जूस तो पिया है और जी भैया से बातचीत हुई थी हमारी भैया कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें जी हमें चाउमीन खवा रहे हैं तो भैया आप भूख लगी थी तो चाउमीन की व्यवस्था हो गई है देखो जी आप लगी चाउमीन ठीक है भैया भैया अपने पन्ना में मंदिर ख़त्म नहीं हो रहे हैं बताओ हम सामने बलदेव जी के मंदिर से होके निकल गए ब्लॉग बना गए लेकिन बगल में तो गोविंद जी को मंदिर नहीं हमें देख पाओ और बताओ हमारी किस्मत में यार है क्या आज बताओ समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम घूमत फिर मतलब इतने भी आ गए देखो ऑटोमेटिक इतने आ गए मैंने कहा जो मंदिर यार ये तो हमें देखो ही नहीं कहा कहते हमने पूछे अंकल जी समय की मंदिर से बोले बलदेव जी को जो गोविंद जी को मंदिर है तो भैया आओ तक भी दर्शन कर रहे हैं अपन और चल रहा है अंदर तो देखो भैया जी आ गए अपन अंदर जी गोविंद जी का मंदिर है तो अंकल जी से पूछे हमने बाहर तो भैया एक बात तो नोटिस करने वाली है मतलब कि यार कैसे बताओ हम घूम फिर रहे हो जो बात अलग है लेकिन अंदाजन होती कैसे हम आ रहे हैं बताओ समझ में यही आवाज़ में जो ये सब ठीक है अभी तो वैसे फिलहाल गेट बंद है और शायद 7-8 बजे के लगभग हर जगह ऊपर होते हैं पन्ना में गेट रूम के तो देखो अभी तो बंद है दरवाजे कोई बात नहीं इतनी देख लो बहुत बड़ी बात है और जी अपने हनुमान जी बैठे हैं इतने जय बजरंग बली तो भैया बहुत ही अच्छा दिन है आज को हम आओ पन्ना में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को लो भाई जैसे हम घूम रहे थे सोते आ गए अभी तक गेट बेट नहीं खोले लेकिन हाँ सही मन कर रहा तो कहूँ तरफ दीजिए लेकिन अचानक कब तो कल होगा सीधे चलो अब सीधे यार सोचते जो मंदिर उसमें गए जो भी हो गेट नहीं खुलो इतना लुको है कशु लेकिन यार ऑटोमेटिक पहुँच कैसे रहे हम ठीक है और देखो भैया जी आ गए थे अपनी पन्ना देखो अपनो पन्ना बच्चा में कछु अंदाज नहीं बैठा था कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे लेकिन ऑटोमेटिक सही जगह पे पहुँच जाते हैं देखो इतने जो रखो अपना बनना और इतने जो पार्क है इनमें भी जा सका लेकिन हम पाए गए अकेले तो पार्क हम का भी थे
तो भाई जहाड़ो पार्क में आ गए हैं। और ये नाम का है? सचिन। अरे ये पार्क को नाम? अच्छा छत्रसाल पार्क। सचिन तो छत्रसाल पार्क में आ गए हैं कि बाहर लिखे हुए थे अपना पन्ना वही वाले पार्क में आ गए। अरे छत्रसाल खड़े तो है तो भैया कितना मस्त व्यू आ रहा है देखो है नहीं। तो ई पार्क में बहुत भैया ठंडक है और जैसो अब मुकाबला कर रहा है हम सीधे छतरपुर से ठीक है। तो भैया छतरपुर के पार्क में इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं है इतनी सफाई भी नहीं है अपने ठीक है। और देखो जी लगे हैं जी देख जी बारे पार्क हाउस जो भी हो तो भैया इतने मतलब अपने पार्क में छतरपुर में देखो इतनी पानी भर जाए शाम के लेकिन इतने देखो तुम क्या सफाई है। देखो जी हमारा छत्रसाल और व्यू देखो जी पेड़ लगे एक नंबर जी पेड़ क्या हाउस जी तो बहुत ही गजब व्यू है क्या नहीं। तो भैया जो पार्क है पन्ना को तो में घूम रहे हैं कैसे रात कैसे रुकना है और सचिन हमें घुमा रहे हैं। हाँ जी पेड़ अच्छा देखो कितना अच्छा व्यू हो देखो नहीं हाँ। नहीं हाँ। आठ तो भैया जी आगे खाना पीना खा गए सब कुछ फ्री हो गए आ गए थे लोकी भी खिला रहे हैं। तो भैया जिधर कल लोग थे मतलब जिधर कल लोग थे वो है तो कल गेट के उतरा नीचे जी तो खांसी रही थी वो नीचे थे वो लेकिन आज हमने उनने ऐसी व्यवस्था बना दी हमारे लाने बोले कि तुम इधर पढ़ रही हो गैलरी में सो जो चटाई दे दी उनने हमें और जो सामान हमने तो खा पी के लाना था ना और बोले कि पढ़ रही हो जागरती दे रही जागरती दे रही। तो भाई पन्ना के आदमी है बहुत ही गजब आदमी है बहुत ही मस्त आदमी है हर तरह से हेल्प करी कोशिश है भी बहुत ही बढ़िया आदमी देखो तो बता दें कल नीचे पैरें से उनके बाद उतरा ए जाओ लगू सो गैलरी में पढ़ रही हो इतने कम अच्छा नहीं है सो ये तो सही रहे। तो भैया जो हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लियो और अपने दोस्तों ने शेयर जरूर करो सब जाना बताओ अपने दोस्तों ने आसपास बताओ सब जाना कि देखो भैया ये बिना पैसे नहीं की ट्रैवलिंग कर रहे हैं बुंदेलखंड में तो तुम भी देखो। तो भैया ऐसे सपोर्ट करते रहो सब जने और धन्यवाद सब जाना।